स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल होते क्या हैं, डिग्री, कोफिशिएंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का स्टडी करेंगे। एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल एक टू सबसे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, पॉली एंड नॉमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, नॉमियल मीन्स होता है टर्म। सो मैनी टर्म्स मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स। ओके, बट इस डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसको समझते हैं। के लिए पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टडी करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सो स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, बोथ आर कम्बाइंड विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पर होता है प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरिंग। जो वेरिएबल हम जनरली क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, जैसे हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है A to Z, इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यूज़ हम अननोन थिंग्स जो हमें पता नहीं होती वहाँ पर उसको निकालने लिए यूज़ करते हैं। ये आपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल की जो वैल्यूज होते हैं वो वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एंड कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट में हमारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट इसीलिए होते हैं, इनकी वैल्यूज़ नहीं बदलती। जैसे 5 है, 5 इज़ रिमेन ऑलवेज 5, ठीक है। 10 है, वो 10 ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं सारे हमारे। और इसको समझते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल यहाँ पर है कि कैसे कंबाइन होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए 2x, तो यहाँ पर 2 और x किससे कंबाइन हुए हैं, प्रोडक्ट से, इस साइन से, ठीक है, इनटू से। यहाँ पर 2 + x, यहाँ पर कौन सा है ऑपरेटर, प्लस। 2 - x, ओके, सो ऑपरेटर कौन सा है, माइनस। यहाँ पर क्या, x अपॉन 2 डिवाइड। सो स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। सो पॉलिनोमियल, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स एंड पावर ऑफ अ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कोफिशियंट शुड बी रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने डिफाइन आपको कर दिया, आपके समझ में आया होगा। मैनी टर्म्स का मतलब यहाँ तक है टर्म्स काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि हम लोग इन्फिनिटी टर्म ले लें तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स पॉजिटिव इंटीजर, जो पावर होगी हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल हमने लिए एक्स वाई, उनकी जो पावर्स होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कोफिशियंट शुड बी अ रियल नंबर, उनके जो कोफिशियंट है वेरिएबल के वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये इस डेफिनेशन की कंडीशन है, ठीक है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो और जो कोफिशियंट हो रियल नंबर हो, तो ही वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और टर्म्स क्या होंगे, काउंटेबल होने चाहिए, ठीक। तो एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 3, 3x⁴y³ + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पावर को समझते हैं। यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है, कैसा है, पॉजिटिव है। x के पावर कुछ नहीं है, बट जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 माना जाता है। सो x की पावर क्या पर है, 1 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y² यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो देखो मैंने जितने वाला 2, 1, 3 ऑल आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा डिग्री है। डिग्री को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, सो हाईएस्ट पावर मीन्स हमें जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा, अगर हमें पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन दिस पॉलिनोमियल, सो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो फर्स्ट है 4x² + 3x। सो यहाँ पर देखते हैं पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1x की, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी x की, 2। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 3x³ + 5x + 2, तो यहाँ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। और पावर क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है और फिर क्या है, x की 1 है, ठीक है। और यहाँ पर सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या पहले मैंने डिफाइन कर चुका हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 4x³, सो मीन्स डिग्री कितनी हो गई अगेन, 3। यहाँ पर देखते हैं 4x⁴ + 3x² + 2x + 3, तो यहाँ पर पावर, हाइएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 4 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4s डिग्रीज किया जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ के साथ हम कोफिशिएंट भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, x³, x² एंड x। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर x³ टर्म नहीं है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो बाय डिफॉल्ट 0 लिख दूंगा। यहाँ पर x² कितना है, x² कितना कोफिशिएंट, मतलब क्या नंबर x² मल्टीप्लाई में है, तो 4 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x का कितना है, 3, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर x³, 3 इंटू में किसके साथ, और यहाँ पर x के साथ कितना है, 5,
और इसके साथ मैं जीरो लिख देता हूँ। फोर एक्स की पावर यहाँ पर कितना है, फोर। ठीक है, रेस्ट की जरूरत नहीं है। अब जीरो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टेबल बना दी है। अगर मैं इसको सेपरेट लिखूँगा तो यहाँ पर मैं एक्स की पावर थ्री का पूछूंगा तो फोर होगा, एक्स एक्स की पावर टू का पूछूंगा तो यहाँ पर आप जीरो बोलेंगे, और यहाँ पर एक्स का पूछूंगा तो आप जीरो रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टर्म ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर फोर वो लिया ही नहीं मैंने, तो इसलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब का तो यहाँ जीरो है। एक्स स्क्वायर कितना है, थ्री, और एक्स का कितना है, टू। सो आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बोले थे, डिग्री, कोफिशियंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलीनोमियल, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन से यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलीनोमियल है या नहीं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता है, ऊपर हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो यहाँ पर थ्री एक्स टू द पावर थ्री डेफिनेशन में ये था, जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए, साथ में जो इसकी पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, और नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड है। बिल्कुल ये तीनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स पावर क्या है इसकी, पॉजिटिव, प्लस वन अपॉन एक्स। यहाँ पर देखते हैं जो ये वन अपॉन एक्स है तो इसकी पावर कितनी होती है, नेगेटिव होती है। इसे कैसे, जब मैं इसे ऊपर ट्रांसफॉर्म करूँगा एक्सपोनेंट पावर की हेल्प से तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर एक्स टू द पावर माइनस वन बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये क्या है, नेगेटिव टर्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्या रूट टू एक रियल नंबर है, इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सो इज इट अ रियल नंबर, यस डेफिनेटली रूट टू एक हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यस आ जाएगा, जैसे एक पॉलीनोमियल है। यहाँ पर टू, अरे टू का तो सर आपने तो बताया नहीं है कि टू भी कुछ होता है, तो फिर इसे बता रहा हूँ, रूट टू भी क्या होता है, एक टाइप का पॉलीनोमियल होता है, इसे जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं या फिर हम कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल इसे कहते हैं, तो ये पॉलीनोमियल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर थ्री एक्स टू द पावर माइनस टू एंड फोर, अगेन जो हमने बात की थी जो पावर होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए थी, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए थी, ये कैसी है, नेगेटिव इंटीजर है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल उसका स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल को हम टू वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, एज पर टर्म एंड एज पर डिग्री। एज पर टर्म में हम मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एज पर डिग्री में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। सो स्टूडेंट एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स में सबसे पहले सो मोनोमियल, मोनोमियल्स, मोनो का मतलब ही वन होता है, मोनोमियल मीन्स एक टर्म्स। तो ऐसे पॉलीनोमियल जिनमें क्या है एक टर्म्स है उन्हें क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर 2x 5x टू द पावर 3, तो देखते हैं, देखो एक ही टर्म अकेला कॉमा लगा, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो मीन्स अलग टर्म है ये एक इंडिविजुअल है। 4x स्क्वायर एक पॉलीनोमियल अलग है, ये पॉलीनोमियल अलग है, पॉलीनोमियल, तो यहाँ पर देखते हैं कॉमा के बाद जितने भी हैं ये सब क्या है, सेपरेट है, वन वन है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में आते हैं, बाइनोमियल के एग्जांपल, बाइनो का बाई का मतलब होता है टू, नोमियल मीन्स दो टर्म, तो ऐसे पॉलीनोमियल जिनमें कितने हैं दो टर्म हैं वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे बाइनोमियल कहलाएंगे। एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने एक पॉलीनोमियल लिखा है, दूसरा 2x प्लस 3 5x क्यूब प्लस 2x, तो देखिए यहाँ पर टर्म काउंट करते हैं 1 2 1 2 1 2, सो मीन्स ऐसे पॉलीनोमियल जिसमें क्या है दो टर्म्स हैं वो बाइनोमियल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ट्राइनोमियल का मतलब है, ट्राई का मतलब थ्री से है, तो जिसमें तीन टर्म्स होंगे, जैसे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3, तो कितने टर्म है, तीन टर्म है, ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2x, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3, सो कितने टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स एज पर टर्म ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए, आपके समझ में आएगा। हम डिग्री की ओर बढ़ते हैं थोड़ा, आपकी बड़ी क्लास में है, नाइन्थ और टेंथ में ये जनरली होता है, यूज किया जाता है। सो लीनियर का मतलब है डिग्री, डिग्री का मतलब है, हमने पढ़ा था अभी, हाईएस्ट पावर इन अ गिवन पॉलीनोमियल या इन पॉलीनोमियल इज नोन एज डिग्री। सो लीनियर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर डिग्री क्या होती है, एक होती है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, 2x प्लस 4 3x 5x प्लस 1। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं 2x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल कौन है, x है हमारे पास,
और एक्स क्या है, पावर कितनी है इसकी, वन, ठीक है। यहाँ पर 3x है, पावर कितनी है, वन, इसमें कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, वन। सो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर यानी डिग्री उनकी अगर वन होती है तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। सिमिलर इन क्वाड्रिक, तो ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ पर टर्म्स, यहाँ पर कितने भी हों हमें टर्म्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमें केवल ये चेक करना है कि उसकी पावर कितनी है। अगर उसकी पावर हाईएस्ट टू है, क्वाड्रिक का मतलब टू होता है, सो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 2x² + 3, 2x² + 4x + 5। सो यहाँ पर देखिए 2x पावर 2, सो मीन्स यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, इस पॉलिनोमियल की, टू है। इसकी डिग्री कितनी है, टू है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, टू है। सो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर टू रहेगी वो क्वाड्रिक होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, बाइनोमियल का एग्जाम्पल जरूर दिया हुआ है, बट ये क्या है, क्वाड्रिक भी है, ठीक है। ये भी ये नहीं है, ये क्वाड्रिक है, 4x² अकेला, ठीक है। बस ये सब किसके एग्जाम्पल थे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के। स्टूडेंट एक बात और आपको बता दूं, तो जो आपके कोर्स में पढ़ने वाले हैं वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने देखा सारे एक्स ही लिए हुए हैं, या तो हम एक ही वेरिएबल रहेगा, ऐसा नहीं है एक्स के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, वाई पी क्यू कुछ भी, बट क्यू ही रहेंगे। अगर मैं पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x² + 3, तो मीन्स यहाँ पर एक एक्स लिया, अगला मैं ले रहा हूँ 2p² + 3p + 2, तो देखें मैंने अभी p ही वेरिएबल लिया है, मैंने दो वेरिएबल एक साथ नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये जो इस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। क्यूबिक की बारे में बात करते हैं, क्यूबिक का मतलब है थ्री से। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल जिनकी पावर क्या है, जहाँ डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है, थ्री होगी, वो क्या होंगे, क्यूबिक होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लिख दिया। पाई क्वाड्रिक को हम कह सकते हैं इसकी पावर कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, जिसमें चार होती है। इसके एग्जांपल समझते हैं, 2x² + 3x² + 2x। ओनली अगर मैं लिखूं 5x⁴, तो यहाँ पर देखिए टर्म कितना है, अकेला टर्म है, बट डिग्री इसकी जो पावर हो कितनी है, फोर, तो किसमें आ जाएगा, बाई क्वाड्रिक। टर्म के अकॉर्डिंग में से क्लासीफाई करूंगा तो कैसा आएगा, मोनोमियल आ जाएगा। टर्म के अकॉर्डिंग ये कैसा आ जाएगा, ट्राइनोमियल आ जाएगा। टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये मोनोमियल, टर्म्स के अकॉर्डिंग बाइनोमियल, यहाँ पर ट्राइनोमियल, ये मोनोमियल, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया इनको। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो जनरली हमें याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रिक, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो होता है ax + b। देखिए सारे ऐसे टर्म्स के हैं, या ए एक्स टर्म, यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक है। देखिए ये ए एक्स है, बट आगे बी टर्म यहाँ पर जीरो है, इसलिए मैंने कंडीशन दी ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म रहेगा रहेगा, पिछले टर्म की बी की ना भी हो तब भी ये कैसा आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यही डिफाइन करता है मेरा हाईएस्ट पावर किस पे, ए वाले टर्म्स की है, मतलब ये जिस यहाँ पर ए कोफिशिएंट है, अगर ये जीरो हो गया तो फिर क्वाड्रिक तो रहेगा ही ना, इसलिए ये टर्म्स जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्यूबिक का है, ax³ + bx + c = 0, अगेन ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम कंडीशन हमारी होंगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वाड्रिक बाई क्वाड्रिक की, ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ + dx + e = 0 में से ले सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आओगे। ये आपके कोर्स में ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन इसके, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इनको समझते हैं, एज पर टर्म वो कैसा होगा पॉलिनोमियल, एज पर डिग्री कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है एज पर टर्म एंड डिग्री पे, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए 2x² है, सो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, अगर टर्म की बात करूँ नंबर ऑफ टर्म चेक करूंगा तो कौन सा है, मोनो, ठीक है, मोनोमियल ये है। और डिग्री की बात करूंगा तो यहाँ पर देखते हैं डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फिर से अगेन 3x⁴ + 4x, ये एक पॉलिनोमियल है, टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, कितने टर्म है यहाँ पर, 1, 2, तो फिर से क्या आ गया हमारे पास, ये बाइनोमियल,
बाइनोम, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बाइनोमियल। यहाँ पर क्या है फिर देखते हैं, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पॉलीनोमियल की, तीन, तो ये कैसी हो गई क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर देखते हैं वन टू थ्री, थ्री टर्म्स हैं सो मीन्स ट्राइनोम। ठीक है ट्राइनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, थ्री है, सो ये क्या होगा क्यूबिक। ठीक है यहाँ पर चेक करते हैं नंबर ऑफ टर्म, एक दो तीन, यानी थ्री टर्म्स हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ गया ट्राइनोमियल आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, और डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रिक होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। सो अब समझ में आपके आया होगा स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी में बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए एग्जांपल्स के, आपने उसे करने हैं, और साथ के साथ जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो वहाँ पर मैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जो भी उसका बेसिक होगा वो मैं आपको क्लियर करूँगा क्वेश्चन को समझाने से पहले। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा तो आपको बिल्कुल एक नोटिफिकेशन आ जाएगा।